सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में मैं माउंट कैलाश की वाटर कलर पेंटिंग ड्रॉ करने जा रहा हूँ, और इसी के साथ मैं आपके साथ पूरा प्रोसेस डिस्कस करूँगा और आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाऊँगा कि कैसे आप एक अच्छा वाटर कलर पेंटिंग ड्रॉ कर सकते हैं। सो मैंने वीडियो के अपर राइट साइड में जो फ़ोटो लगाया है, इसी फ़ोटो को हम एज अ रेफरेंस कंसिडर करेंगे और इसी के हेल्प से हम ये पेंटिंग को ड्रॉ करेंगे। सो सबसे पहले आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो, ये जो माउंट कैलाश का पिक्चर है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट में सनलाइट अपीयर हो रहा है और एक पार्ट में एज इट इज जो माउंटेन का होता है नॉर्मल वो अपीयरेंस है। सो हमें इसी के अकॉर्डिंग कलर सेलेक्ट करना है। सबसे पहले हम ऊपर वाले पार्ट के लिए येल्लो कलर सेलेक्ट करेंगे और नीचे वाले पार्ट के लिए ब्लू कलर सेलेक्ट करेंगे। सो इसके बाद हम माउंटेन के सराउंडिंग वाले एरिया के लिए कलर सेलेक्ट करेंगे। तो जैसा कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं रेफरेंस पिक में, माउंटेन के सराउंडिंग में ब्लैक कलर यूज़ हुआ है ऑलमोस्ट, तो अब हम ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेंगे। सो हमारा पहला स्टेप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद अब हम पहला लेयर से स्टार्ट करेंगे। सो जैसा कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर पहला लेयर पहले से अप्लाई करके रखा है, तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पहला लेयर में आपको ज़्यादा वाटर अप्लाई करना है और पहला लेयर को आपको जितना लाइट हो सके उतना लाइट रखना है। तो जब आप माउंटेन के पहले लेयर में कलर अप्लाई कर लो, तब आप सेकेंड लेयर पे मूव कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ऊपर के येलो पार्ट में सेकेंड लेयर ऑलमोस्ट अप्लाई कर लिया है। तो आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो कि ऊपर का जो पार्ट है वो थोड़ा अब डार्क हो गया है प्रीवियस लेयर के कंपैरिजन में। तो इसी तरह से जब आप एक लेयर से दूसरा लेयर में मूव करोगे तो वो अपने आप ही डार्क होते जाएगा। सो अब हम माउंटेन के ऊपर वाले पार्ट में डिटेलिंग करेंगे। सो माउंटेन के अपर पार्ट में डिटेलिंग के लिए मैं यहाँ पे बर्नट अम्बर कलर का यूज़ कर रहा हूँ। सो ये डिटेलिंग के पहली लेयर है। इसके बाद हम और भी लेयर ऐड करेंगे डिटेलिंग में। सो ये पहला लेयर है, इसीलिए आप इसमें ज़्यादा वाटर का अमाउंट ऐड कर सकते हो और इसको लाइट बना सकते हो। बेसिकली ये पहला लेयर का काम यही होता है कि इससे आपको एक आइडिया मिल जाए कि कौन कौन सा एरिया में डिटेलिंग करना है हमें। जब आपको एक बार आइडिया हो जाएगा, तब आप जब सेकेंड लेयर ऐड करोगे तब आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा और आपको पता रहेगा कि कौन कौन से एरिया को कवर करना है। सो इसी तरह से हमें लेयर बाय लेयर मूव करना है। सो हमने ऊपर वाले एरिया में ऑलमोस्ट डिटेलिंग कर लिया है, तो अब हम नीचे वाले एरिया में मूव करेंगे। सो माउंटेन के नीचे वाले एरिया में डिटेलिंग करने के लिए मैं यहाँ पे पर्पल कलर का यूज़ कर रहा हूँ और पर्सियन ब्लू कलर का। सो पर्पल कलर का यूज़ करके हमने ऑलरेडी डिटेलिंग कंप्लीट कर लिया है, तो अब हम यहाँ पे पर्सियन ब्लू कलर का यूज़ करेंगे और जितने भी जगह में डिटेलिंग है उन सब सारे जगह में डिटेलिंग कवर कर लेंगे। सो डिटेलिंग करने के लिए आपको माउंटेन को ऑब्ज़र्व करना होगा, उसमें जहाँ जहाँ पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आप ड्रॉ कर सकते हैं। सो अगेन, ये हमारा डिटेलिंग का पहला लेयर है। सो इस लेयर को आप लाइट रख सकते हैं। सो लाइट रखने के लिए आप कलर में ज़्यादा वाटर ऐड कर सकते हैं। सो इसके बाद जब हम इसमें लेयर अपग्रेड करेंगे और डिटेलिंग ऐड करेंगे, तो इसका जो आउटकम है वो और एनहांस हो जाएगा। सो जैसा कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब मैंने माउंटेन के नीचे वाले एरिया में डिटेलिंग किया, तो यहाँ पर कुछ एरिया में कलर अपीयर हुआ है और कुछ एरिया में कलर नहीं है। तो इसी कलर के पैटर्न को यूनिफॉर्म बनाने के लिए हम सारे एरिया में वाटर अप्लाई करेंगे और ये जो कलर है इसका जो लेवल है उसको एकदम यूनिफॉर्म कर लेंगे। सो अब हम माउंटेन के सराउंडिंग वाले एरिया में कलर करेंगे। सो कलरिंग के लिए मैं यहाँ पे ब्लैक कलर का यूज़ कर रहा हूँ। आप रेफरेंस पिक में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमें ऑलरेडी अपीयर हो रहा है कि यहाँ पर ब्लैक कलर यूज़ हुआ है। सो हमें लेयरिंग की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर आप चाहें तो लेयरिंग कर सकते हैं। सो आप लेयरिंग के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कलर को कितना लाइट रखना है और कितना डार्क रखना है। अगर आपको कलर को लाइट रखना है तो आप उसमें ज़्यादा वाटर का अमाउंट को ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कलर को डार्क रखना है तो आप उसमें वाटर की जो अमाउंट है उसको कम कर सकते हैं। सो इस आर्टवर्क का हेल्प से हम कलर टेम्परेचर के बारे में और भी ज़्यादा जान सकते हैं। सो टेम्परेचर के बेसिस पे कलर टू टाइप्स के होते हैं, पहला तो कूल कलर और दूसरा वार्म कलर। कूल कलर में वो सारे कलर आते हैं जो इन नेचर कूल होते हैं, सच एज पर्पल, ग्रीन एंड ब्लू। और वार्म कलर में वो कलर आते हैं जो कि सनलाइट से फॉर्म होते हैं, सच एज ऑरेंज, रेड एंड येल्लो। तो
इस आर्टवर्क में क्या हो रहा है कि यहाँ पे दोनों टाइप्स के कलर यूज़ हो रहे हैं। जब जनरली हम कोई भी माउंटेन ड्रॉ करते हैं तो माउंटेन का जो नेचर है वो कूल होता है, तो इसीलिए माउंटेन में जनरली कूल कलर यूज होता है, लेकिन ये आर्टवर्क में हमें दोनों कलर को कवर कर लिया है क्योंकि ये आर्टवर्क एक्सेप्शनल केस है। इस आर्टवर्क के ऊपर वाले पार्ट में सनलाइट अपीयर हो रहा है तो वहाँ पे हम वार्म कलर का यूज़ कर रहे हैं, और नीचे वाले एरिया में एज इट इज़ है कूल नेचर का, तो इसीलिए हम वहाँ पे कूल कलर यूज़ कर रहे हैं सच एज पर्पल ब्लू। सो अब मैं यहाँ पे माउंटेन के नीचे वाले एरिया में डिटेलिंग की सेकेंड लेयर ऐड करूँगा। सो सेकेंड लेयर में कलरिंग करने के लिए मैं यहाँ पे पर्सियन ब्लू कलर का यूज़ कर रहा हूँ। सो जैसा कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं रेफरेंस पिक में, पर्सियन ब्लू कलर का जो वैल्यू है वो थोड़ा डार्क है। सो इस वैल्यू को डार्क करने के लिए मैं यहाँ पे इसमें थोड़ा सा ब्लैक कलर को मिक्स करूँगा और फिर इसको सारे पार्ट में अप्लाई कर लूँगा। सो यहाँ पे मैं डिटेलिंग के लिए छोटे साइज के ब्रश को यूज़ कर रहा हूँ और इसके हेल्प से मैं सारे एरिया को कवर कर लूँगा। सो डिटेलिंग करने के समय आपको रेफरेंस पिक को एकदम अच्छे से पूरा पेशेंस के साथ ऑब्जर्व करना है, उसमें जो जहाँ जहाँ पैटर्न है वहाँ वहाँ आपको ड्रॉ करना है, अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ नहीं करना है। तो रेफरेंस पिक में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि माउंटेन का बीच वाला जो एरिया है वो क्लाउड है। सो क्लाउड वाले एरिया में हमें कलर नहीं करना है, उसको हमें एज इट इज़ छोड़ देना है जैसे है, और बस खाली हमें माउंटेन के ऊपर वाले एरिया में काम करना है और नीचे वाले एरिया में काम करना है। तो अब हम माउंटेन के ऊपर वाले एरिया में डिटेलिंग की सेकेंड लेयर ऐड करेंगे। सो इस लेयर में कलरिंग के लिए मैं यहाँ पे बर्नट अम्बर कलर का यूज़ कर रहा हूँ। सो अब हमें रेफरेंस पिक को ऑब्जर्व करना है, उसमें हमें कलर की वैल्यू पे ध्यान देना है। सो जैसा कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं रेफरेंस पिक में जो ब्राउन कलर है उसका जो वैल्यू है वो थोड़ा डार्क है, सो इसीलिए मैं यहाँ पे बर्नट अम्बर कलर में छोटे अमाउंट के ब्लैक कलर को ऐड करूँगा और इसका जो आउटकम है उसको थोड़ा डार्क बनाऊँगा। सो मैं यहाँ पे डिटेलिंग करने के लिए छोटे साइज़ का ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप छोटे साइज़ का ब्रश को यूज़ करते हो तो आपको एक एडेड एडवांटेज मिलता है, आप उससे माइन्यूट डिटेलिंग में भी काम कर सकते हो और आर्टवर्क का जो आउटकम है उसको और भी ज़्यादा रियलिस्टिक बना सकते हो। सो इसी तरह से हमें रेफरेंस पिक को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, उसमें कलर की वैल्यू पे ध्यान देना है, जहाँ जहाँ कलर की वैल्यू थोड़ी डार्क है वहाँ वहाँ आप वैल्यू को कवर करने के लिए उसमें ब्लैक कलर ऐड कर सकते हैं, और जहाँ जहाँ कलर की वैल्यू थोड़ी लाइट है वहाँ पे आप कलर को एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। सो इसी तरह से आप पूरे एरिया में डिटेलिंग ऐड कर सकते हैं। सो जब आप डिटेलिंग का काम कंप्लीट कर लें तब आप स्काई में कलर करने के लिए कोबाल्ट ब्लू कलर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्काई और माउंटेन का ब्लू कलर का जो टोन है वो दोनों डिफरेंट होता है, सो इसीलिए आप डिफरेंट कलर यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा। सो हियर इज़ द फाइनल आउटकम ऑफ माउंट कैलाश। आई होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। डू शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।